हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी भारत में अंधविश्वास से जुड़ी बातों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। यह वाकई हैरान कर देने वाली बात है। भले ही ऐसी बातों से लोगों का कोई सरोकार न हो, फिर भी सुनी सुनाई बातों अंधविश्वासों को लोग मानने से पीछे नहीं रहते। इस कारण एक भय का माहौल तैयार होता है, जो लोग इन चीजों से डरने लगते हैं। वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अंधविश्वास से जुड़ी हर वो चीज मानने लगते हैं जो उन्हें बताई जाती है। कई ऐसे भी होते हैं जो इनमें अपना फायदा खोजने लगते हैं, इसलिए वे शुभ अशुभ मानते हुए उन सभी नियमों का पालन करते हैं जो काफी समय से चले आ रहे हैं। उन्हें देख देख कर आने वाली पीढ़ी भी यही सीख लेती है। लेकिन इस फॉलोअर पीढ़ी और बुजुर्गों से हमारा सवाल है कि क्या उन्होंने कभी ये क्रियाएं करने से पीछे छुपे राज जानने की कोशिश की है? शायद नहीं। इसलिए हम में से आज तक बहुत लोग ये नहीं जानते कि मिर्ची के साथ नींबू क्यों लटकाया जाता है, या शव यात्रा से लौटने के बाद नहाया क्यों जाता है, स्नान क्यों किया जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही अंधविश्वास से जुड़ी कहानियां कि क्या ये चीज सच है कि या गलत। नदी में सिक्का फेंकना, इसे शुभ समझा जाता है। इसके पीछे लोगों का मानना है कि ऐसा करने से भाग्य मजबूत होता है, जबकि वैज्ञानिक ये लॉजिक लगाते हैं कि पुराने समय के सिक्के तांबों से मिलकर बने होते थे, जो पानी के अंदर के बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते थे। ये हमारी सेहत के लिए भी काफी लाभकारी होते थे। नदी के पानी को शुद्ध करने के लिए लोग नदी में सिक्के फेंका करते थे। बाहर जाने से पहले दही खाना, कहते हैं ना कि कुछ भी शुभ काम करने के लिए अगर आप जा रहे हो तो मुंह मीठा कर लो, दही खा लो। इससे भी भाग्य के साथ जोड़कर देखा जाता है और मानते हैं कि ऐसा करना बहुत शुभ होता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से इसके पीछे छिपे तथ्य से बताते हैं कि पुराने समय में लोग ज्यादातर एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल चलकर ही जाया करते थे, और जाने से पहले दही का सेवन किया करते थे ताकि उनके शरीर में ताजगी के साथ ठंडक काफी समय तक बनी रहे। वहीं अगर दही में शक्कर डालकर पीने से ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ जाती थी, ये शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा देती थी, इस वजह से लोग इसका इस्तेमाल इसका यूज करते थे। शव यात्रा से लौटने के बाद स्नान करना, किसी भी अंतिम संस्कार से लौटने के बाद लोग नहाते हैं। माना जाता है कि शमशान जाकर लोग अशुभ हो जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है, इसकी असली लॉजिक ये है कि मरने के दौरान जो मृत शरीर होती है उसमें कई तरीके के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, और उसके संपर्क में आने के बाद वो हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसी से बचने के लिए शमशान से आकर स्नान करना जरूरी समझा जाता है। मंगलवार और गुरुवार को बाल न धोना, जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि इन दो दिनों में यदि बाल धोए जाते हैं तो बहुत बुरा वक्त आता है, लोगों के साथ बहुत बुरा कुछ होता है। इन दो दिनों में बाल नहीं धुलना चाहिए। मंगलवार और गुरुवार को साबुन का तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। जबकि वैज्ञानिक मानते हैं कि पहले के समय के लोग पानी को भरने के लिए दूर दराज नदी तालाब या कुएं में जाया करते थे, और पानी की बचत के लिए ये लोग एक दो दिन ना तो बाल धोते थे और ना ही कपड़े। धीरे धीरे इस प्रथा का चलन हो गया और लोग इसे अंधविश्वास से जोड़कर देखने लगे। बुरी नजर से बचने वाला यंत्र, जी हाँ, बुरी नजर से बचने के लिए लोग महज 5 रुपए की मिर्ची नींबू से काम चलाते हैं। ये समझते हैं कि उनका धंधा इसी के बलबूते चल रहा है, अगर ये ना करें तो धंधा चौपट समझो। आज के लोग इसे बुरी नजर से बचने वाले एक यंत्र समझने लगे हैं कि हमें ये बुरी नजर से बचा के रखेगा, जबकि इसके पीछे छुपा लॉजिक ये कहता है कि नींबू और मिर्च में साइट्रिक एसिड की मात्रा भरपूर पाई जाती है, जो बाहरी बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। इस वजह से बचने के लिए और अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए लोग अपने घरों के बाहर नींबू के साथ मिर्च को बांध कर लटकाते थे। तो ये है इसकी असली सच्चाई। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, ताकि हम आपसे फिर दोबारा मिल सके। थैंक यू।